वेलकम बैक टू वकील वेब। और आज हम अगेन एक क्वेश्चन लेके आए हैं और स्टूडेंट के पास जाएंगे, उनसे उनका राय पूछेंगे। अगर वो स्टूडेंट ना होते तो वो क्या होता? आपका नाम? मदन लाल सिंह चड्ढा। क्या? मदन लाल सिंह चड्ढा। मदन लाल सिंह चड्ढा। मदन लाल सिंह चड्ढा, ये बताओ। चड्ढा नहीं होता, चड्ढा साहब। ये बताओ कि अगर आप स्टूडेंट ना होते तो आप क्या होते? मैं मांगने वाला होता जी, अपनी एक टांग कटवा देता, ठीक है, फिर रेडी पे ऐसे ऐसे करके मांगता, क्योंकि उसमें नो इन्वेस्टमेंट ना कुछ भी, वैसे ही फ्री के पैसे आते हैं, पैसे ही पैसे। हाँ, फिर और उससे ना मैं सिगरेट लेता, फिर गरीब दोस्तों को पिलाता तुम्हारे जैसे। अच्छा, मलंगों की सोच रखते हैं ना, ना इन्वेस्टमेंट, ना जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कमाओ जी, फिर तुम्हारे जैसे गरीब लोग आ जाते हैं कैमरा लेके, उनको फिर पिलाने इंटरव्यू देते। हाँ, इंटरव्यू दे और शौक से चलाता। मैं बहुत खुश होती। खुश होती और क्या मतलब, सिर्फ खुश होती क्या? कुछ ना कुछ तो कर रही होती ना। आई थिंक मैं किसी स्पोर्ट्स में होती। स्पोर्ट्स? हाँ, स्पोर्ट्स में। ओके, आप क्या कह रही है, आप क्या होती अगर स्टूडेंट ना होती? मैं एक अच्छी घरवाली होती। घरवाली, शादी हो चुकी होती। अगर मैं स्टूडेंट ना होता तो 5 साल पहले का मैं अबू बन चुका होता। अबू बन चुके होते, अभी बच्चे होते, बड़े अयाशियां करता, बड़ा मजा था यार शादी। और उनको स्टूडेंट बना लेते। हाँ, उनको अब स्टूडेंट बना लेते, उन्होंने पढ़ रहे। बिजनेसमैन होता। बिजनेसमैन होते, जाहिर सी बात है, मैं स्टूडेंट ना होता तो मैं पॉलिटिशियन होता और मुल्क लूट लेता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अगर स्टूडेंट ना होता तो अबू के बिजनेस में होता। हम होते एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, अब ये ना पूछना होता क्या है, हमने भी नाम ही फिलहाल सुना है। ओके, मतलब पैसा वाला होता है, इतना पता है। शार्क टैंक देख के इतना तो पता लग गया। ओके ओके, आप आपका क्या राय? मेरा नाम फहद है, और अगर हम ना पढ़े लिखे होते तो हम दुकानों पे होते। मैं घर में खाने बना रही होती। खाने बना, बेकिंग का शौक है तो बेकिंग कर रही होती, कुकिंग कर रही होती। ओके, अगर मैं स्टूडेंट ना होता तो इस टाइम मैं एडिटिंग कर रहा होता, वीडियोस वगैरह की। हाँ, एडिटर होता मैं। मैं स्टूडेंट ना होता तो मैं ख्याल से मैं क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होता। मैं स्टूडेंट नहीं होता तो आई थिंक बिजनेसमैन होता। बिजनेसमैन जी। अगर मैं स्टूडेंट ना होती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई आर्टिस्ट होती, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी और मैं आर्ट्स में अच्छी हूँ। अगर पढ़ाई को निकाल दो तो मैं आर्ट्स ही करती हूँ और कुछ नहीं। किस चीज की मतलब स्पेशलिटी, क्या बनाती आप? पोर्ट्रेट स्केचेस, आई एम रियली गुड एट दैट। पोर्ट्रेट स्केचेस या फिर पेंटिंग। ओके यार, अगर मैं स्टूडेंट ना होता तो फिर मैं निस्वार बेचता। निस्वार? हां, पैसा ही पैसा होगा। बिजनेस, निस्वार बिजनेस। बिजनेस, हां, कारोबार। कारोबार। आप क्या करते हैं? यार मेरा शुरू से जो मतलब वो है ना, शौक जो है ना, वो पैसों के साथ बहुत है। पैसों के? हां, तो मतलब आजकल मतलब उस तरह के पैसे बंदा नहीं कमा सकते, तो जो चीज है ना वो है स्मगलिंग में। स्मगलिंग में? हाँ। तो आप स्मगलिंग करते? दबा के करता। किस चीज का वो मैं नहीं बता सकता ना, वो कहते समझ जमाने के राज को चिड़िया ने की आवाज को। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर मैं स्टूडेंट ना होता तो मैं क्या होता? बहुत अच्छा कबाड़ी। कबाड़ी? किस चीज का कबाड़? कबाड़ ये कि यार गली मोहल्लों से रोटियां लेता 20 रुपए की। okay. और बाहर जो मेन कबाड़ की जो ब्रांच है उसमें 50 की बेचता। 50 की? मुझे एक रोटी के पीछे कितना बचा? 30 रुपए। और मैं अगर 20 गलियों में फिरता हूँ तो 20 गलियों में एक घर में, एक गली में कितने घर होए ना ना करके 20-25 घर होए, और हर घर से मैं 2-2 किलो रोटियां भी लूं और 20-20 रुपए किलो की लूं तो आगे जाके बेचू क्यों जी। तो यही कबाड़ी है की कबाड़ी आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक कबाड़ी है, उसने मेरान गाड़ी ली है, बिल्कुल नई अनटच। देखो फिर क्या होता है। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए।